केंद्र सरकार के जिस फैसले पर पिछले कुछ दिनों से विपक्षी दलों की ओर से सन्नाटा दिखाई पड़ रहा था, आज आखिरकार वो सन्नाटा टूट ही गया। पिछले दिनों केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी ने एक राष्ट्र एक चुनाव का नारा देकर नई बहस को जन्म दे दिया था, लेकिन उस पर अधिकतर विपक्षी दलों का मौन ये जाहिर कर रहा था कि सरकार के इस फैसले से वो सहमत होंगे, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा। इस मुद्दे पर तमाम राजनीतिक दल बटे हुए दिखाई देने लगे हैं। वर्तमान हालात कुछ ऐसे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को लेकर चार राजनीतिक दल इसके समर्थन में हैं, तो नौ दल इसके विरोध में भी खड़े हैं। विधि आयोग ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास बैठक बुलाई थी, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस की ओर से तो कोई नहीं पहुंचा, लेकिन केंद्र के सुझाव का एनडीए के सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल और एआईएडीएमके ने समर्थन किया। इसके अलावा सपा और टीआरएस ने भी एक साथ चुनाव कराए जाने का समर्थन किया। वहीं बीजेपी के सहयोगी दल गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने इस विचार का विरोध किया। टीएमसी, आप, डीएमके, टीडीपी, सीपीआई ने इसका विरोध किया है, जबकि सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक और जेडीएस भी इस प्रस्ताव के विरोध में खड़ी दिखाई दी। अगर आप एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर सियासी दलों को बड़े सरल तरीके से देख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये उतना सरल नहीं है, क्योंकि समर्थन करने वालों और समर्थन न करने वालों में इसे अपनी अपनी जरूरत और मौके की नजाकत के मुताबिक आंका जा रहा है। अब सपा को ही ले लीजिए, समाजवादी पार्टी की ओर से राम गोपाल यादव ने इस विचार का समर्थन तो किया है, लेकिन कंडीशन ये रखी है कि पहला एक साथ चुनाव 2019 में ही होना चाहिए, जब 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा। अब समझिए, अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार का कार्यकाल छोटा हो जाएगा, और सपा पूरी शिद्दत से चाहती है कि ऐसा ही हो। दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान ने विधि आयोग को दिए गए अपने जवाब में कहा कि एक साथ चुनाव लोगों को एक सरकार बनाने से दूर रखने की एक चाल है, क्योंकि दोनों चुनाव साथ हुए तो सदनों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, जो आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी नहीं होना देना चाहती। विधि आयोग ने पिछले दिनों हुई अपनी एक बैठक में इस विचार को लेकर एक प्रश्नावली जारी की थी। इस प्रश्नावली के जरिए आयोग ने आम जनता, संस्थान, एनजीओ और नागरिक संगठनों के साथ सभी स्टेक होल्डर्स से सुझाव मांगे थे। इस बैठक के बाद चुनाव आयोग के साथ बैठक कर विधि आयोग ने तकनीकी और संवैधानिक उपायों की बारीकियों पर चर्चा की थी, लेकिन इसको लेकर सियासी दलों की जो प्रतिक्रिया सामने आई, उसमें एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का विरोध करने वाले दलों की संख्या ज्यादा दिख रही है। ऐसे में इस फैसले का फिलहाल लागू हो पाना अधर में दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए।